as you will see in Jagga Jasoos, he's really made magic in the movies. He makes us proud. So I want to call Anurag Basu, our writer, director, producer, who's now not here, who's just a little late. Hello, hello, hello. Woo! अमृता ने इतनी तारीफ क्यों की पता नहीं क्यों की मतलब अच्छा थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस थैंक यू सो मच एज यू कैन सी इट्स अ फन फिल्म फन फैमिली फिल्म एंड और आज क्यों ये प्रमोशन हो रहा है बिकॉज ट्रेलर के वक्त भी हम लोग नहीं आए पहले गाने के वक्त में भी नहीं आए अब से लाइक और इट वॉज हाई टाइम दैट यू नो हम लोग सब सामने आते बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट वी आर वेरी प्राउड ऑफ और लाइट अच्छा मेरे पे चेक करोगे अच्छा आ रहे कल एक्सपोजर सब चेक कर एक काला है लेकिन पूरा ऑडियो ठीक है सब चेक कर लो यार बुलाऊं क्या रेडी करते रहते I must tell you, while Kangi is going on, we had great time shooting this film. और ये जो क्या बोल सकते हैं मेरे दो अनमोल रतन रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ प्लीज आइए बहुत हो गया Kangi ये या मुझे ठीक से इंट्रोडक्शन वगैरह देना नहीं था अमृता तुम करो यार This is the shortest introduction anyone has ever done. Good afternoon, everyone. Thank you so much for being here today. मैंने दादा को बहुत प्रिपेयर किया कि यू नो ये हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है वी वर्क्ड ऑन दिस फिल्म फॉर 3 इयर्स इट्स बीन लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर बोथ ऑफ अस बट उन्होंने हक दिया कुछ बोला ही नहीं आई थॉट ये कुछ अच्छा कहेंगे फिल्म के बारे में बहुत सारे चीज़ें लिखे हुए गए हैं इस फिल्म के बारे में यू नो जो डिले हुआ है इतना टाइम लगा है बट इट जस्ट रिमाइंड्स मी कि जो 3 साल पहले या 3.5 साल पहले जब दादा मेरे पास आए थे और उन्होंने ये आइडिया सुनाया था जगह जासूस का मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा था एंड यू नो वी डिसाइडेड कि यू नो हम ये खुद प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज वी वुड लाइक टू मेक दिस फिल्म द वे वी वॉन्ट टू मेक इट किसी को पता नहीं था इतना टाइम लगेगा और पता नहीं किसकी गलती है किसी की गलती नहीं है मैं ये नहीं कह सकता कि दादा की गलती है प्रीतम दादा की गलती है या मेरी गलती है आई थिंक ये सबकी गलती है क्योंकि जब दादा फिल्म बना रहे थे दादा तो घुस गए थे इस फिल्म में 3 साल इन्होंने कुछ नहीं किया बट हमने दूसरे फिल्में की हैं दूसरे रोल्स निभाए आई थिंक ही इज द ओनली वन हु इज रियली स्टूड बाय दिस फिल्म सो आई रियली होप यू नो फॉर फॉर हिम एंड फॉर हिज अमेजिंग हार्ट दैट यू नो यू गाइस गिव दिस फिल्म अ चांस एंड एंजॉय दिस फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन Yeah, I think we can take a few. Yeah, yeah. Kanan, I think you have to move. Yogi, one more mic for. Ah, no, we have mics. We have mics. Okay, you want me to move? Kush. You want to say something? Yeah, किसी journalist का tweet आया था आज बीच में मत बैठना वार्निंग दिया मुझे नहीं नहीं कुछ नहीं इट वाज एड्रेस्ड टू मी एंड प्रीतम समवन्स गॉट क्वेश्चंस फॉर अस भूषण सर हाउ आर यू वेलकम वी हैव रवि सर आल्सो हियर द लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन बी फ्रॉम भूषण म्यूजिक डिलीवरी कब होगी प्रॉब्ली आस्क फॉर द थर्ड सॉन्ग हाय रवि सर दिस इज आलोक आपके लेफ्ट में कहां है आलोक हाय हाय सर आपका मैसेज मिला सुबह थैंक यू सर सवाल है कि आपके एक्टिंग की बात की जाती है बाकी चीजों की बात की जाती है डांसिंग स्किल जो है आपकी उसके बारे में काफी आप भी कम बात करते हैं और रेगुलर लिखा भी कम जाता है जरा उसके बारे में बताएं अपने डांस की कैपेबिलिटी well, actually, जैसे सब जानते हिंदी फिल्मों में डांसिंग बहुत जरूरी होता है आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसकी वजह से इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ आई थिंक शी इज अमेजिंग वो तो है द वे शी डांसेस
नॉट मेनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब बहुत उमदा गाने किए थे, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था, क्योंकि मैं इसको यू नो रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था. देयर इज नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस. पीके आया क्या? जो भी, वो आमिर खान था. नो, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन. एंड जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं, यू नो, जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन, यू नो, लाइक ऑल द स्टेप्स इन दिस सॉन्ग ऑल्सो एवरीथिंग वॉज इम्प्रोवाइज. ऐसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पे जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया था. कतरीना, गाने की लाइन है, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं और मिस्टेक करने की कोई उम्र होती है? उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में मिस्टेक कर सकते हैं, और कटना की उम्र में खास करके ज्यादा. पहले आप बोलो, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से हो? स्पॉट बॉय से. ओके, तो क्या आपका क्वेश्चन था? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते, दे ओनली लर्निंग्स. दैट्स हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स हाउ यू ग्रो एज आर्टिस्ट. सो देयर इज नो मिस्टेक्स. सब दिल, हम सब उल्लू के पट्टे हैं. रणबीर, आपके राइट, रितेश ईटीवी से. दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है. जब हम बर्फी पे काम कर रहे थे, और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फी रिलीज हो गई, चल गई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फी में क्या हो रहा था. जब मैंने फिल्म एक हफ्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह, ये क्या फिल्म बना दी दादा ने यार. तो आई थिंक जो इनका प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये सिर्फ मैं समझता हूँ, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू वर्क विद एनी अदर एक्टर. मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू वर्क विद एनी एक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज दी फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री. आई थिंक हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा, हिज नॉलेज अबाउट एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, अबाउट एंगेजिंग एन ऑडियंस, अबाउट म्यूजिक, अबाउट कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेज, बहुत, मतलब इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल. सो आई रियली होप कि यू नो मी एंड दादा कैन मेक अ लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर. जब हमने जगह जासूस प्लान की थी, हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था, बट जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्म बन रही है, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे. तो बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप, ये टू मी ही इज अ रियल दादा. यू नो, दादा का जो हक होता है ना, ये इंसान है, ये दादा है. हाय रणबीर, फरीदून फ्रॉम जी, आप बोलिए. नमस्ते जी, कैसे हो आप? नवभारत टाइम से. हेलो मैम, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग बार बार करना चाहेंगे? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं हैं. ज्यादा टाइम नहीं है, कटिया जल्दी बोल दे. I don't have an answer for you. I'll come back to that one. रणबीर, आप क्या, कौन सी गलती है जो आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार अकॉर्डिंग टू मी गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कह सकता. आई थिंक गलती सड़क पे सुसु, ये बार बार करना चाहेंगे? मजा आता है कभी कभी. चलती ट्रेन से ट्राई करना कभी.